हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी द चैप्टर 5 वी वेयर क्लॉथ्स। वी वेयर कपड़े जो हम पहनते हैं। वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट द कपड़े। क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? जैसे वी प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, इन सारी हीट से, गर्मी से, बारिश से, डस्ट से। और जब ठंड होती है तो हमारी क्लॉथ से ही हमें गर्माहट महसूस होती है। तो हम क्यों पहनते हैं? वी वेयर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, रेन एंड डस्ट, एंड टू कीप आवर सेल्फ वार्म व्हेन इट इज कोल्ड। इस तरह से क्लॉथ्स हमें सेफ बना रख सकते हैं, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट हमें बाइट ना कर लें, उनसे भी हमको बचा के रखते हैं। देखिए, जब बहुत जब अर्ली बैच थे तो वो लोग जो गुफाओं में रहते थे तो किसी भी तरह का किसी कोई क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, जैसे कि हम आज लोग पहनते हैं कि हम। तो उस टाइम वो लोग अपनी बॉडी को एनिमल स्किन से कवर करते थे, लीव्स से, बार्क ऑफ ट्री की छाल जो होती है उसके कवर करते थे। दीज वर नो टू हॉट ऑफ फॉर समर एंड नॉट फॉर नाफ फॉर विंटर। यानी कि ये जिस तरह के जो क्लॉथ्स थे अर्ली मैन के पास, ना तो गर्मियों के लिए सही थे और ना ही सर्दियों के लिए सही थी। तो कई सौ सालों के बाद इंसान ने सबसे लर्न द आर्ट ऑफ द वीविंग, उसने वीविंग की कला सीखी, कपड़ा बुनना सीखा। शुरुआत में क्लॉथ वर वूमन ऑन लूम्स ऑपरेट बाय द हैंड। शुरुआत में कपड़ा हैंडलूम के द्वारा बनाया जाता था, और आज जो कपड़ा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए। इसको हम टेक्सटाइल फैब्रिक कहते हैं। कपड़े का दूसरा नाम भी टेक्सटाइल फैब्रिक भी है। जैसे इसमें नेम आता है कॉटन, सिल्क, जूट, सिंथेटिक, ऐसे फैब्रिक हैं जो जिनसे आज कपड़े बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि ड्रेसेस वुमेन वेयर, यानी कि क्या क्या वुमेन्स पहनती हैं। हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह की ड्रेस पहनती वुमेन, और उनका जो पहनने का तरीका है, ड्रेसिंग जो स्टाइल है, वो हर स्टेट वाइज अलग अलग है। तो काफ़ी लंबे समय से देखा जाए तो इंडियन वुमेन सबसे ज़्यादा जो अहमियत देती हैं वो देती हैं साड़ी की। इंडियन वुमेन को आपने जब भी देखा होगा वो मोस्टली साड़ी को ही प्रेफर करती हैं, और हर स्टेट में इसको पहनने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कश्मीर में अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में वुमेन जो एक लॉन्ग अनस्टिच बिना कटा हुआ कपड़ा, एक बहुत लंबा, इसको बोलते हैं चुन्नी, अपने सिर पर पहनती हैं। इसके अलावा पहरन सलवार पहनती हैं। पंजाब वुमेन जो है लंबा और पीस ऑफ क्लॉथ, दुपट्टा बोलते हैं इसको, वो पहनती हैं। ठीक है, देखिए इसका यहाँ पे नाम चुन्नी है और यहाँ पे नाम क्या है इसका, दुपट्टा। गुजरात राजस्थान में दुपट्टा बोलते हैं इसको जो है, क्लियर। और ये यहाँ पर ओढ़नी और लहंगा चोली भी पहनी जाती है वुमेन्स के द्वारा। स्टूडेंट्स आगे देखें, जैसे असम की बात की जाए तो असम में मेखला चादर पहनती हैं। तो मेखला ये भी इसी तरह से गारमेंट है जो पूरी बॉडी को वेस्ट से लेके एंकल तक कवर करते हैं। इसके साथ आप ब्लाउज और चादर भी पहनते हैं। चादर इसमें ही में ये जो हमारी बॉडी के जो ऊपर का वाला जो पार्ट होता है वो कवर किया जाता है। इस तरह मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड की वुमेन जो हैं ये भी अपने चारों तरफ एक टॉप या स्कर्ट पहनती हैं। इस ड्रेस को भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों के जरिए जाना जाता है, स्टेट वाइज इसका नेम चेंज होता रहता है। जैसे हमने देखो ये असम की यूनिफॉर्म है, यहाँ पे अगर मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ये असम यूनिफॉर्म, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की है, ये गुजरात की है, ऐसी कर्नाटक की है ये, और ये बाकी ट्रेडिशनल ड्रेसेज हैं ये, ठीक है, केरल की है ये। इससे तमिलनाडु वुमेन हाफ साड़ी पहनती हैं, इसके अलावा उसके साथ वो लहंगा चोली भी पहनती हैं कभी कभी थी। तो दुपट्टा, उनका बेसिक डिफरेंस क्या है दुपट्टा में, दुपट्टा जो होता है ड्रेप्ड अक्रॉस द वेस्ट और अक्रॉस द लेफ्ट शोल्डर, यानी कि लेफ्ट कंधे की तरफ पे पहना जाता है पल्लू की तरह से। या केरल में वुमेन जो मुंडू एक क्लॉथ का नाम है, मुंडू पहनती हैं वो, जैसे लुंगी टाइप का होता है। इसके अलावा बहुत सारी वुमेन और गर्ल्स जो हैं सलवार कमीज भी पहनती हैं, ट्राउजर्स पहनती हैं, टॉप्स और भी बहुत सारे क्लॉथ्स पहनती हैं अलग अलग स्टाइल में। देखिए ये स्टाइल अलग है, ये स्टाइल अलग है, ये देखिए पंजाब की है, ये देखिए ये स्टाइल अलग है, देख पा रहे हैं ना। तो हर स्टाइल्स के जो कपड़े वुमेन्स के द्वारा पहने जाते हैं। आगे देखते हैं इस तरह से मैन क्या पहनते हैं। तो मैन भी मोस्टली अगर हम देखें तो पैंट और शर्ट पहनते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है कोट भी पहनते हैं, टाई पहनते हैं पैंट शर्ट के बाद। लेकिन गाँव में आज भी लोग कुर्ता पजामा को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुर्ता धोती को प्रेफर करते हैं। तो आज भी गाँव में लोग अब जो गाँव में लोग पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग करने वाली चीज़ है कि वुमेन भी मैंस के कपड़े जो होते हैं वो पहन सकती हैं। इसके अलावा मैन जो धोती, लुंगी, टर्बन भी पहनते हैं। तो ये भी और टर्बन यानी जो पगड़ी बांधने का जो तरीका है वो हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे कि ये कुर्ता पजामा, शर्ट पैंट, कोट पैंट, टाई,
ठीक है। ये इस तरह से देखिए, ये टर्बन है, देखो यहाँ टर्बन किस तरह से पहनी गई है, और देखो ये टर्बन अलग है, यहाँ पे अलग तरीके से टर्बन को बांधा, मतलब अलग तरीके से बांधा जाता है टर्बन को, आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीका दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर देखिए अगर बात की जाए तो ये मोस्टली राजस्थान में पहनते हैं इस तरह से टर्बन, ये पंजाब में पहनते हैं इस तरह से, और ये हमारे यूपी हरियाणा में पहनते हैं इस तरह टर्बन को। तो अगर परंपरागत बात की जाए तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग हर मैन का जो परंपरागत ड्रेसेज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे कश्मीर हिमाचल प्रदेश में मैन जो है पीहरन सलवार पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, पंजाब में कुर्ता पजामा पगड़ी पहनते हैं, उसका नाम है यहाँ पगड़ी है। ठीक है, इस तरह से राजस्थान में मैन चूड़ीदार कुर्ता टर्बन और चूड़ीदार अंगरखा टर्बन पहनते हैं, उत्तर प्रदेश में मैन धोती और कुर्ता पहनते हैं। ये तो हुई बात है ड्रेसेज जो मैन जेंट्स पहनते हैं। इस तरह से मेघालय में धोती एंड जैकेट पहनते हैं, केरल में लोग जो है मुंडू जिसे बोलूँगी इसका नाम मुंडू है शर्ट पहनते हैं। अब बात आते हैं कि जो कपड़े जो हम पहनते हैं बहुत सारे कलर के होते हैं, कि जब एक बार कपड़े की बुनाई हो जाती है तो फिर इसको कलर करना जरूर, डाई करना जरूर, कलर मतलब डाई मतलब कलर। तो पुराने समय में डाई जो है वो प्लांट से ली जाती थी कलर जो है, और आज जो कलर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं सिंथेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, जिसमें रेड येलो और ब्लू हमारे प्राइमरी कलर्स और बाकी कलर इन्हीं कलर को मिक्स करके बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको कलर करने के बाद जो कलर बनेगा वो कौन से बनेंगे, सेकेंडरी कलर। समटाइम कलर फैब्रिक कभी कभी क्या होता है कि ये जो कलर जो होते हैं कपड़े धोने पर वॉश हो जाते हैं, देखा होगा ना कपड़े तो उसमें कलर निकलता है, तो ये स्पेशली जो होता है वो कॉटन क्लॉथ के साथ हमेशा होता है। ठीक है, टू मेक द कलर परमानेंट दे विल शूट द क्लॉथ इन द सॉल्वर फॉर सम टाइम, इसलिए कलर को परमानेंट करने के लिए ताकि वो धोने पर भी ना छूटे, तो ऐसे कपड़ों को थोड़ी देर के लिए नमक वाले पानी में डुबो के रखा जाता है। तो जब कलर क्लॉथ पहली बार धोए जाते हैं तो इनको हमेशा अलग अलग धोना चाहिए, अगर कलर क्लॉथ को वॉश कर रहे हैं तो इनको अलग अलग धोना चाहिए ताकि अगर वो कलर रिलीज भी करें तो किसी और दूसरे कपड़े पर वो ना आ जाए। कभी देखा होगा ना कि हमने कपड़े एक साथ धो दिए तो एक कलर छूट के दूसरे पर लग जाता है, थोड़ा कलरफुल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से फैब्रिक डिज़ाइन, देखो डिज़ाइन भी अलग अलग क्लॉथ के अलग अलग, हम ना केवल आज कलरफुल क्लॉथ पहनते हैं बल्कि अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न भी उन पर होती है जो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है। तो अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग कलर्स के क्लॉथ जो है हम पहनते हैं। ठीक है, आगे देखें तो अगर देखा जाए कि डिज़ाइन कितने टाइप्स की होती है, देखिए सबसे पहले टाइप से वो क्या आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग जिसमें वुडन ब्लॉक के जरिए क्लॉथ पर ब्यूटीफुल कलर और प्रिंट किया जाता है। ओके, आगे देखें जैसे टाई एंड डाई, तो ये भी टाई नॉट्स विद ए थ्रेड विद हैज़ बीन रब्ड विद अ वैक्स, इस क्लॉथ में नॉट्स के जरिए वैक्स के जरिए इस पर जो है कलर किया जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है, डाई और सुखाया जाता है इसको, और फिर इस पर क्या बन जाता है ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाता है। जब इसको नॉट को खोल दिया जाता है, देखो ये ब्लॉक प्रिंटिंग है और ये टाई एंड डाई है, जब उसको सुखाने का नॉट खोली जाती है तो ब्यूटीफुल उस पर पेंटिंग बन जाती है। तो इस तरह के वर्क में राजस्थान में काफ़ी मतलब ये टाई एंड डाई का यूज़ किया जाता है। कलमकारी क्या होता है, ये भी एक ऑर्डिनरी में कलमकारी की, इसमें जो क्लॉथ पे उस पर पर्टिकुलर डिज़ाइन पेंट की जाती है पेन के जरिए कलम के जरिए, और बिहार में इस तरह से काफ़ी काम होता है। ऐसे ये देखिए ये कलमकारी का पेंट है। ठीक है, इस तरह कहीं कहीं भी ज्वेलरी उस पर अच्छे अच्छे वो लगाए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी लगाई जाती हैं, जैसे जाल वर्क ऑफ जम्मू कश्मीर, फुलकारी ऑफ पंजाब, कांथा वर्क ये वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं, देख रहे हैं आप जो है। तो और इसी वजह से ये पूरी जो क्लॉथ्स हैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।